हेलो दोस्तों, मैं हूं सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है पीछे का डिस्क ब्रेक लेके, क्योंकि गाड़ी जब चलते हैं कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक क्या होता है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी जब हम लोग ब्रेक खींचता है ना, डिस्क ब्रेक वाला बाइक जो ब्रेक खींचते हैं, उसी दौरान क्या होता है, ब्रेक को हम लोग को ज़ोर से मारना पड़ता है, तब जाके गाड़ी जो पहिया है वो रुकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा रीजन में क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि जो हम लोग का हाइड्रोलिक सिस्टम जो ब्रेक होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग गौर ना करें तो डिस्क ब्रेक जो है हम लोग को बहुत ही हार्ड लगता है और ब्रेक खींचने में यानी कि ज़ोर से मारना पड़ता है, तब जाके ब्रेक हम लोग का रुकता है। तो इस वीडियो में सारे के सारे प्रोसेस दिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे ठीक करें, क्या क्या खराबी होता है, कैसे चेकअप करें, अगर व्हील जाम हो जाता है तो क्या आप लोग चेकअप करें, कौन सा स्टेप करें, इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में जब से हम लोग ब्रेक मार रहे हैं ना, तो ज़ोर से ब्रेक खींचना पड़ता है। देखो, ज़ोर से खींचना पड़ता है, यानी कि हल्का नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का मास्टर पंप हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, ये प्लेट हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप यही है। तो चलो खोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये होता है हम लोगों का हाइड्रोलिक यानी कि मास्टर सिलेंडर पंप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। मेन पॉइंट होता है हम लोग का पंप अगर ठीक से वर्क नहीं करेगा तो हम लोग का डिस्क ब्रेक ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए कंडीशन देखो, इसके अंदर कितना डस्ट पड़ा हुआ है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को गौर कराता हूँ, ये जो पंप है ना, ये हम लोग का देखो यानी कि जा रहा है और यानी कि रिटर्न जो है ठीक से नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग को देखना है और सही करना है, तब जाके हम लोग का ब्रेक जो है बेहतर से बेहतर आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ थोड़ा स्प्रे मारना पड़ेगा और सफाई करना पड़ेगा, पहला स्टेप यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स लॉक को ओपन करेंगे, क्यों, मैंने ड्रेस सफाई कर दिया है और लॉक आसानी से आ जाएगा, वरना लॉक आपका टूट जाएगा। तो जो भी करना समझदारी से काम कीजिए ताकि आप लोगों का दिक्कत ना आए। लॉक हमारा सही से सलामत खुल गया है। अब हम लोग पिस्टन को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पिस्टन का कंडीशन कैसा है, पुरानी ऑयल को हम लोगों को फेलना है। पुराना ऑयल जो होता है, ये ऑयल हम लोगों का यानी कि मोटा हो जाता है, ऑयल जितना भी हम लोग निकाल लेंगे। और ऑयल बिल्डिंग पर भी ऑयल आप लोगों को देखने को मिला, यहाँ देखा, यहाँ से हमने सारे के सारे ऑयल को निकाल लिया। अब इसके अंदर थोड़ा हम लोग को सफाई करना है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से कपड़ा लगा कर और यहाँ से यानी कि आप लोगों को सफाई करना है कि ताकि ड्रस जो है, ड्रस आप लोगों का क्लियर रहे। अब यहाँ आप लोगों को उल्टा भर के देखना है, जो ये जो हम लोग का रबार है ये फ्री जा रहा है, जाम जा रहा है, देखो। तो ये हम लोग का थोड़ा जाम जा रहा है, अगर जाम जाएगा तो यानी कि हम लोग का ब्रेक जो है हार्ड आएगा। तो वही हम लोग को देखना है इसके अंदर। और ये रबार कभी कभी हम लोग का फूल जाता है, तो हम लोग को मेजर किट फाइनली बंद चेंज करना पड़ेगा। चलो मार्केट से लाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड, BS6 बाइक का जो मेजर किट है मुझे नहीं मिला और पूरा पंप लेना पड़ता, वो भी नहीं था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ट्राई करने के लिए आप लोगों को एक ज़रूरत होता है जेली की। ये सब दे रहा हूँ लुब्रिकेशन करने के लिए, ताकि हम लोगों का जो मेजर किट है वो ठीक से वर्क करे और काम करे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा पुश करेंगे ब्रेक वाइल, ताकि हम लोग का कंप्रेसर जो है जल्दी ही आ जाए और कहीं छेड़खानी करने का आवश्यकता है नहीं, किसी चीज़ को भी आप लोगों को खोलने का आवश्यकता है नहीं, ऑटोमेटिक कंप्रेसर यहां से आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसको इस तरह से आप लोग भर दीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके पुश कीजिए, क्योंकि वो रिंग अगर कट जाएगा तो आप लोग का ब्रेक वाइल लीकेज करेगा। अब देखिए आसानी से हम लोग का खेल रहा है, देखो खेल रहा है ना, और कंप्रेसर भी हमारा आ चुकी है 100%। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी हमारा व्हील जो है फ्री है, ठीक है तंजर। हाँ, अभी हम ब्रेक खींचेंगे, मारो
घुराओ, देखो घूम रहा है नहीं घूम रहा है, छुकड़ा बस घूम रहा है, देखो एकदम टकाटक ऑटोमेटिक हम लोग का कंप्रेसर आ गया है। बट हम लोग को यहाँ ब्रेक ऑयल बिल्डिंग में हम लोगों का थोड़ा ब्रेक ऑयल चेकअप करना है। अब मेन पॉइंट होता है यहाँ जो हम लोगों का स्प्रिंग होता है, कभी कभी ये स्प्रिंग हम लोगों का टाइट हो जाता है, अभी हम लोग एडजस्ट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये जो स्प्रिंग है मैंने खोल लिया हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्प्रिंग थोड़ा हम लोग का हार्ड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ज़ोर से मारना पड़ता है। अब देखो ये ऑटोमेटिक हम लोग का काम कर रहा है, और शायद आप लोग सोच रहे हैं इस स्प्रिंग की मदद से हम लोग का काम कर रहा है। ये भी खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए इसको भी खोल लिया तभी भी हम लोगों का कैमशाफ्ट जो है फ्री खेल रहा है। तो यानी कि इसके अंदर जो हम लोग का स्प्रिंग दिया गया है उसकी मदद से यानी कि हम लोग का काम बन रहा है। और कंपनी द्वारा यहाँ जो स्प्रिंग दिया गया है वो थोड़ा हैवी है, इसीलिए हम लोग का ये ठीक से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा लुब्रिकेट कर लेता हूँ ताकि हम लोगों का कैमशाफ्ट फ्री रहे और ब्रेक वर्किंग ठीक से करें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्प्रिंग बड़ा वाला स्प्रिंग और नहीं लगाएंगे, सिर्फ ब्रेक स्विच वाला रहेगा और यहाँ से काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि गाड़ी में अगर हम लोग लगाएं, यानी देखो बहुत ही हल्का हो गया, देखो अगर हल्का से मारे पुश करें तो ऑटोमेटिक काम करेगा और हम लोग का आसानी से खेल रहा है ना, हल्का से काम करेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, इसको हमने वॉश किया और ये स्प्रिंग जो है हमने खोल लिया है। क्यों? क्योंकि रिटर्न अच्छा दे रहा है और इससे लगा रहा हूँ तो ज़ोर से मारना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है बहुत ही टाइट है, बहुत ही टाइट है। हाँ कभी कभी हम लोग का क्या अगर ठीक से रिटर्न ना दे तो उसी दौरान हमको ये सब ज़रूरत होता है, लेकिन इस बाइक जो है अभी हम लोग का सही है। और बाद में अगर लगेगा कि हाँ स्प्रिंग ज़रूरत होता है, ब्रेक हम लोग का क्या जो है रिटर्न नहीं देता है, तो फिर हम लगाएंगे और उसके लिए वीडियो भी शूट करेंगे कि एकदम परफेक्ट हुआ है कि नहीं, वो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।